चंद्रयान मिशन में आज का दिन खास। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन ने अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया चंद्रयान 2। दक्षिण ध्रुव पर स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा भारत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन का रखा रिपोर्ट कार्ड। कहा, प्रधानमंत्री का भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने का लक्ष्य। विधानसभा में भाजपा विधायकों का गतिरोध छठे दिन भी जारी। काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे भाजपा विधायक। सावन का पहला सोमवार आज, शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। और प्रदेश में आज से शुरू हुआ मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान। जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने की अभियान की शुरुआत। नमस्कार, दूरदर्शन समाचारों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनुजा, और चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। भारत के चंद्रयान मिशन में आज का दिन खास है। आज आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन ने अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 2 का प्रक्षेपण किया। इसरो के अनुसार चंद्रयान 2 23 दिन तक पृथ्वी की परिक्रमा करेगा। इसके बाद पृथ्वी के प्रभाव क्षेत्र से बाहर निकल जाएगा। चंद्रयान 2 चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतरेगा। वहीं भारत ऐसा करने वाला विश्व का पहला देश होगा। जैसा कि घोषित किए गए थे उसी के पर चल रहा है रॉकेट। अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि IR का इंफ्रारेड कैमरे का व्यू भी हमारे सामने आए, तो मैं आपको थोड़ा इसके बारे में ही बताऊंगा। जैसा कि अभी केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार के प्रथम 50 दिन के कार्यों का रिपोर्ट कार्ड पेश किया। जावड़ेकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सिर्फ देश की तरक्की के बारे में सोचते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार के 50 दिन के कार्यकाल के दौरान किसानों को लागत से 50% लाभ अधिक मिलने लगा है। उन्होंने कहा कि सरकार सड़क, बिजली और पानी पर 100 लाख करोड़ रुपए का निवेश करेगी। सरकार द्वारा किए गए कार्यों के बारे में बताया कि सरकार ने सेना के जवानों और शहीद पुलिसकर्मियों के बच्चों की छात्रवृत्तियां बढ़ाई हैं। मेडिकल के लिए देश में अब एक ही नीट परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं ताकि दुनिया भर से निवेश भारत में आए। 70,000 करोड़ रुपए बैंकों को ठीक सुस्थिति में लाने के लिए दिए गए हैं। 1.5 लाख करोड़ की इकोनॉमी बनने की दिशा में ये भरसक प्रयास है, और इसकी बुनियाद जो है वो रिसर्च है, और इसलिए नेशनल रिसर्च फाउंडेशन शोध के लिए लगातार कार्यक्रम बनाए हैं। सेना के अनेक वर्गों को नॉन फंक्शनल फाइनेंशियल अपग्रेडेशन ये देके उनके साथ न्याय किया है, और मोदी जी ने पहला निर्णय जिस पर हस्ताक्षर किए वो सेना के जवानों के, शहीदों के और पुलिस के भी छात्र छात्राओं को, बेटे बेटियों को वो एक स्कॉलरशिप में बढ़ोतरी की है। अनेक लोगों को नए सिरे से स्कॉलरशिप शुरू किया है। हर घर तक जल, और इसके लिए जल शक्ति मंत्रालय का निर्माण, और एक पूरा मिशन मोड में पानी के प्रश्न पर ही सारा चिंतन करना, रिवर वाटर डिस्प्यूट सुलझाने में भी मदद करना, और दिबांग जैसी बड़ी परियोजना जो फ्लड को भी नियंत्रित करेगी वो भी किया है। मेडिकल कमीशन जो एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी, क्योंकि एक ही नीट परीक्षा होगी जिससे एडमिशन मिलेगा, और MBBS के बाद एक ही एग्जिट एग्जामिनेशन होगी, उससे पोस्ट ग्रेजुएट के
प्रवेश मिलेंगे और प्रैक्टिस का परमिशन भी मिलेगा। तो ये और फी कंट्रोल की भी व्यवस्था 50% सीटों पर प्राइवेट कॉलेज में भी होगी, तो ये बहुत बड़े सुधार। राजस्थान विधानसभा में भाजपा की ओर से आज छठे दिन भी गतिरोध जारी रहा। भाजपा सदस्य काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे। वहीं भाजपा विधायकों का कहना है कि प्रश्नकाल में अध्यक्ष उनके पूरक प्रश्न नहीं पूछने देते। प्रतिपक्ष के सभी विधायकों ने आज अपनी बाहों पर काली पट्टी बांधकर विरोध जताया। सदस्य प्रश्न पूछता है उसके दो पूरक के बाद जो प्रश्न सदन की संपत्ति रहता है उससे बाकी सदस्यों को भी प्रश्न पूरक प्रश्न पूछने की अनुमति रहती आई है। वर्तमान हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने इस पर रोक लगाई। कुछ दिन तक हम आग्रह करते रहे, उसके बाद स्वयं जाकर के मिलके आए। फिर एक बार हमने केवल अपने जो प्रश्न पूछा है उसी को सदन में जाके बाकी सदस्यों ने उसका बहिष्कार किया। फिर एक दिन हम काली मुंह पर सफेद पट्टी बांध करके गए और आज हम सब ने काली पट्टी बांध करके उनके इस निर्णय के प्रति अपना विरोध जताया है और हमारा विरोध तब तक जारी रहेगा जब तक माननीय अध्यक्ष अपने दिए गए निर्णय को पलटे और हमें भी प्रश्न पूछने की बाकी सदस्यों को अनुमति दें। सभी जो प्रतिपक्ष के हमारे सभी विधायक हैं हम लोगों ने तय किया, क्योंकि प्रश्नकाल के अंदर जब हमसे सवाल हम लोग पूछते हैं मंत्रियों को तो उसके लिए पूरक प्रश्न का समय नहीं दिया जाता है। जो प्रश्न है वो हाउस की प्रॉपर्टी है और उस हाउस की प्रॉपर्टी में कोई भी विधायक सामान्य विधायक राजस्थान का सवाल है वो पूछ सकता है। आज तक ये परंपराएं चली आ रही थी लेकिन इस परंपराओं को इस बार तोड़ा गया है और किसी को भी प्रश्न पूछने के लिए अपने आप में उन्हें लिबर्टी नहीं दी गई, उन्हें नहीं पूछने दिया जा रहा है। इसी के कारण से आज सभी लोगों ने काली पट्टी लगाई है। जयपुर ग्रामीण सांसद कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने कल बांसूर स्थित ढाणी गुजरावाली में शहीद संदीप यादव की मूर्ति का अनावरण किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि वीर योद्धाओं की वजह से आज हमारा देश आजाद और मजबूत है। राठौड़ ने यहां खेल मैदान पर आयोजित भाजपा सदस्यता अभियान में भी शिरकत की। इस दौरान बड़ी संख्या में भाजपा कार्यकर्ता और ग्रामीण मौजूद रहे। और इस भारत को मजबूत रखना है तो हमें अपने शहीदों को याद रखना पड़ेगा। जब जब हम अपने शहीदों को याद रखेंगे हमारे इस देश के अंदर योद्धाओं की कभी कमी नहीं होगी। ये सभी माताएं जो सामने हैं ये वही माता है जो वीर सपूतों को जन्म देती है। ये वही वीर सपूत है जो चाहे कोई बैंक में काम करता हो, कोई पुलिस में काम करता हो, कोई शिक्षक हो, कोई और काम करता हो, लेकिन देश की रक्षा करते हैं। कारगिल विजय दिवस आगामी 26 जुलाई को मनाया जाएगा। जोधपुर एयर स्टेशन पर एयरफोर्स पर लड़ाई के दौरान काम में लिए गए हेलीकॉप्टर, लड़ाकू विमानों और हथियारों का प्रदर्शन किया गया, जिसे देखने के लिए आमजन के साथ काफी संख्या में स्कूली बच्चे भी शामिल हुए। सेना के अधिकारियों ने उन्हें युद्ध के दौरान काम में आने वाले इन हथियारों के बारे में जानकारी दी। हमारा मेन इश्यू मुद्दा इसमें स्कूल के बच्चों को और सिविलियंस जितने हैं उनको कारगिल के बारे में अवगत करने का था इंटेंशन। जैसे आपने देखा आज वी स्टार्टेड विद एयर शो जिसमें एएलएच माकपुर ने मिसिंग मैन फॉर्मेशन किया डेडिकेटिंग टू द फॉलन हीरोज और उसके बाद सुखोई ने एरोबैटिक्स किए और स्टैटिक डिस्प्ले हुआ। ये प्रोग्राम हम रखेंगे मंडे से फ्राइडे तक जिसमें कल वॉर मेमोरियल पे हम श्रद्धांजलि देंगे कारगिल के हीरोज को। उसके बाद डिक्लेमेशन कॉन्टेस्ट, पेंटिंग कॉन्टेस्ट स्कूल्स वगैरह में रखेंगे और 26 के सुबह एक विक्ट्री रन होगा डेडिकेटिंग ऑल एफर्ट्स टुवर्ड्स द ब्रेव वॉरियर्स ऑफ कारगिल।
आज श्रावण मास का पहला सोमवार है। शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। चौड़ा रास्ता स्थित ताड़केश्वर मंदिर में भगवान शिव के जयकारों के साथ श्रद्धालुओं ने विशेष पूजा अर्चना कर मन्नत मांगी। महिलाओं द्वारा भोलेनाथ पर जल चढ़ाकर मनोकामनाएं पूरी करने की प्रार्थना की जा रही है। सावन का पहला सोमवार है। ताड़केश्वर मंदिर में सुबह 4 बजे से ही भक्तों की भीड़ लगी हुई है। यहाँ भक्तों को किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। जल की पूरी व्यवस्था है, जल चढ़ाने के पात्रों की पूरी व्यवस्था है। कतारबद्ध तरीके से भक्त लोग सेवा कर रहे हैं। यहाँ किसी को कोई परेशानी नहीं है। क्या खास महत्व सावन के सावन के पूरे सावन के महीने का ही पूरा विशेष महत्व है भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए। और सोमवार को प्रदोष को विशेष महत्व है। महादेव को जितना मनाओगे महादेव उतना ही प्रसन्न होंगे। बस भगवान के दर्शन करने आए और कुछ नहीं, मन्नत लेके नहीं आना चाहिए भगवान के पास, कभी ऐसे भी आ जाना चाहिए। पूजा पाठ करेंगे, दूध चढ़ाएंगे, जल चढ़ाएंगे, सारी सबकी इच्छाएं पूरी होए। बस हम तो ये उम्मीद से आते हैं सभी भक्तगण कि वो हमारी सुने, सभी भक्तगणों की सुने। सावन का पहला सोमवार यहाँ पर महादेव के जो मंदिरों में यहाँ पर जो है शिव शंकर भोलेनाथ को मनाने के लिए श्रद्धालुओं को जो है सुबह से ही तांता लगा हुआ है। यहाँ पर लोग हैं जो भगवान शिव को मनाने के लिए पूजा अर्चना करने के लिए पहुँचे हैं। और तेज पांडे के साथ मैं हनुमान सिंह चारण, डीडी न्यूज जयपुर। प्रदेश में आज से चिकित्सा विभाग की ओर से मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान की शुरुआत की गई। जयपुर के महावीर स्कूल में प्रदेश के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने इस अभियान की शुरुआत की। अभियान के तहत 9 से 15 साल तक के करीब 2,26,00,000 बच्चों को मीजल्स रूबेला का टीका लगाया जाएगा। चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने बताया कि नवजात बच्चों की सेहत को ध्यान में रखते हुए इस अभियान की शुरुआत की गई है। इस अभियान के अंतर्गत बच्चों में जो 9 साल से 15 साल के बच्चे हैं उनके टीकाकरण का काम किया जाएगा। उसके बाद में दूसरे चरण में कम्युनिटीज़ में जाके, गली मोहल्ले में जाके हमारे जो डिपार्टमेंट की टीमें हैं वो बच्चों में टीकाकरण का काम करेगी। पूरी दुनिया में 1,34,000 मौतें खसरा की वजह से होती है और करीब 50,000 बच्चे रूबेला से प्रभावित होते हैं। हिंदुस्तान में भी ये अभियान जो चल रहा है, करीब 40 करोड़ बच्चों को इस टीकाकरण अभियान के अंतर्गत शामिल किया गया। राजस्थान में 2,26,00,000 बच्चों के टीके लगाए जाएंगे। गर्भवती जो हमारी बहनें हैं उनके गर्भ में जो बच्चे होते हैं उनके भी ये असर आता है। कई बार अंधापन आता है, कई बार हार्ट में छेद आ जाता है, कई अनेक प्रॉब्लम्स जन्मजात हो जाती है। तो ये टीकाकरण जो है इसके माध्यम से राजस्थान में जो नवजात शिशु हैं उनकी भी सेहत का ख्याल रखने के लिए ये अभियान चलाया जा रहा है। और मैं अपील करना चाहता हूँ सभी लोगों से, राजस्थान वासियों से, कि बहुत महत्वपूर्ण अभियान है। 9 से 15 साल के जितने भी बच्चे हैं प्रदेश में वो प्रेरित होकर खुद ही अपने बच्चों को इस टीकाकरण में टीके लगवाएं। आज से हमने ये MR कैंपेन शुरू किया है जिसके तहत हम 21,00,000 बच्चों का वैक्सीनेशन करेंगे। 9 माह से लेके 15 साल बच्चों का सभी का टीकाकरण किया जाएगा। और हमारे कैंपेन रूप में हमने लिया है, पहले 7 दिन हम स्कूलों में इसका टीकाकरण करेंगे, उसके बाद 7 दिन हम आंगनबाड़ी पर जाएंगे, वहाँ टीकाकरण करेंगे। उसके बाद जो बच्चा छूटता है उनको हम गली मोहल्ले में ढूंढ के उनको या स्कूल में आकर या वैक्सीन या आंगनबाड़ी वर्ग क्षेत्र में जाके या हमारे डिस्पेंसरी पर लाकर उनका टीकाकरण करेंगे। ये मीजल्स और रूबेला दो बीमारी बच्चों को बचाएगा जिससे कि बच्चा को कोई गंभीर रोग नहीं हो, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन नहीं हो, कोई मेल फॉर्मेशन नहीं हो, ये दो तरह के इसका इफेक्ट होगा। जयपुर जिले के विभिन्न पुलिस थाना क्षेत्र से बिहार राज्य के 80 बाल श्रमिक बच्चों की घर वापसी जयपुर स्टेशन से बीकानेर गुवाहाटी एक्सप्रेस से की गई। बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर नरेंद्र सिखवाल ने बताया कि कुल 80 बच्चों को इस गाड़ी से रवाना किया गया जिसमें 58 बाल श्रम से मुक्त तथा 22 निराश्रित बालक शामिल थे। इस दौरान बच्चे काफी प्रसन्नचित नजर आए। और आइए फिर से देखते हैं मुख्य समाचार।
भारत के चंद्रयान मिशन में आज का दिन खास। श्रीहरिकोटा के सतीश धवन ने अंतरिक्ष केंद्र से प्रक्षेपित किया चंद्रयान 2। दक्षिण ध्रुव पर स्थापित करने वाला विश्व का पहला देश बनेगा भारत। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 50 दिन का रखा रिपोर्ट कार्ड। कहा प्रधानमंत्री का भारत की अर्थव्यवस्था को $5 ट्रिलियन की बनाने का लक्ष्य। विधानसभा में भाजपा विधायकों का गतिरोध छठे दिन भी जारी। काली पट्टी बांधकर सदन में पहुंचे भाजपा विधायक। सावन का पहला सोमवार आज। शिवालयों में पूजा अर्चना के लिए उमड़ी भक्तों की भीड़। और प्रदेश में आज से शुरू हुआ मीजल्स रूबेला टीकाकरण अभियान। जयपुर में चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने की अभियान की शुरुआत।